नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। उत्तर प्रदेश की दोबारा कमान संभालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। शपथ ग्रहण के अगले दिन शनिवार को उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक की। वहीं योगी सरकार में मंत्री रह चुके रमापति शास्त्री को इस बार भी बड़ा जिम्मा मिला है। उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। दरअसल लखनऊ राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बीजेपी विधायक रमापति शास्त्री को यूपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद रमापति शास्त्री 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी किया जाएगा। रमापति शास्त्री को बड़ी जिम्मेदारी उनकी शख्सियत के लिए भी दी गई है। रमापति शास्त्री की सबसे बड़ी खूबी उनका बीजेपी की कोर टीम का हिस्सा होना है। वो शांत स्वभाव के नेता हैं, लेकिन बयानों से विपक्षियों को चित करने की क्षमता भी रखते हैं। साल 2017 में भाजपा सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ ने रमापति शास्त्री को SC ST वेलफेयर विभाग का मंत्री बनाया था। रमापति शास्त्री भाजपा के दिग्गज नेता हैं। वो मूल रूप से गोंडा के रहने वाले हैं। रमापति शास्त्री SC ST समुदाय से जुड़े हैं। उन्हें जमीनी स्तर का नेता भी माना जाता है। इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव में रमापति शास्त्री 8वीं बार विधायक बने। मनकापुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते रमापति शास्त्री ने सपा के रमेश गौतम को 42,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। मनकापुर की बात करें तो इस सीट पर आजादी के बाद कांग्रेस का राज रहा है। यहां से कांग्रेस पार्टी 11 बार चुनाव जीती थी। समाजवादी पार्टी का मनकापुर सीट पर 1996 से 2012 तक लगातार 4 बार कब्जा रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर रमापति शास्त्री ने 1,00,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इस बार भी मनकापुर से रमापति शास्त्री ने जीत हासिल की है और उन्हें विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। इस अपडेट में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।